आपने बहुत सारे मेलों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी भूतों का मेला नहीं देखा होगा। आज हम आपको भूतों का मेला दिखा रहे हैं, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। या अंधश्रद्धा, दो साल बाद फिर लगा भूत मेला। हैदरनगर देवी धाम में लगा भक्तों का जमावड़ा। कई राज्यों के भक्त पहुंचते हैं मंदिर। झाड़ फूक का चलता है अनोखा खेल। ये भी एक मेला है, लेकिन विचित्र मेला है ये, क्योंकि यहाँ आम लोग नहीं नाच रहे, बल्कि नाचने वाले वे लोग हैं जो भूत प्रेत से ग्रस्त हैं। ये मेला दशकों से हैदरनगर देवी धाम में लगता रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग भाग लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भूत प्रेत से ग्रस्त लोग ठीक हो जाते हैं। आस्था का बहुत यहाँ पे विश्वास लोग करते हैं, आस्था का ख्याल रखते हुए दो साल से कोरोना में 2021 में यहाँ पे मेला नहीं लगा था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लोग आए हुए हैं। आया हूँ और झारखंड, नाम सुने थे हैदरनगर में कोई माता मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, तमाम तरह के लोग, और काफ़ी भीड़ भी है और ये लगातार भीड़ नौमी तक रहेगा। यहाँ शारदीय नवरात्र और बासंतिक नवरात्र दोनों में मेला लगता है। पिछले दो सालों से कोरोना की वजह से मेला नहीं लगा, लेकिन इस साल प्रशासन के आदेश से मंदिर का पट खोल दिया गया है। जो है 1920 से मेला लग रहा है और यहाँ पर रोगी लोग आते हैं, माता का विश्वास है, यहाँ पर मनोकामना सिद्ध होता है। यहाँ पर करीब 50 जिला से आदमी आ रहे हैं और मेला लग रहा है। नल चालू है, कल चापा कल जो है उस पर भीड़ है। नहीं नहीं, हम दिखवाने आए हैं, दिखवाने। श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दुकानें सज चुकी हैं और मंदिर परिसर में गहमा गहमी बढ़ गई है। अब इसे आस्था कह ले या अंधविश्वास, लेकिन सभी लोगों का यही मानना है कि वे यहां आकर ठीक हो रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए पलामू से नील कमल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।